Good morning, my dear kids. How are you all? Today we are going to do in maths number one. So we will be doing number one today. आज जब हम number one करेंगे तो आपको ये देखना है कहाँ से start होता है, कहाँ finish होता है number, box में कैसे लिखते हैं, तो सारी details आपको clearly देखने हैं. So number one, see यहाँ पे मेरे पास कितने balls हैं. पहले हम counting करेंगे. How many balls? One ball. How many pencil? One pencil. One spoon. One apple, one balloon. So this is one. One means एक single. Okay. Now when we do in the notebook, notebook में क्या होता है? इस तरीके से आपके grid page होता है boxes. Whenever you write number one, you have to keep this point in mind that you have to start from the top till the bottom. तो ऊपर वाली line से box के अंदर बीचों बीच ऊपर से नीचे तक standing line बनानी है. यहाँ से यहाँ तक. अगर आप ऐसे बनाओगे तो गलत है, अगर आप ऐसे बनाओगे तो गलत है. ओके, देखिए ऊपर से नीचे तक स्टैंडिंग है. जब आप नोटबुक में करोगे तो आपको एक बॉक्स में बनाना है, फिर एक बॉक्स छोड़ना है, एक बॉक्स में बनाना है, फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर यहाँ वाली एक लाइन भी छोड़ देनी है नोटबुक में. ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम द अपर लाइन टू द लोअर लाइन. जब भी आप मैथ्स में नंबर्स बनाओ आपको ध्यान रखना है ये ऊपर भी टच होना चाहिए और नीचे के बेस लाइन में भी टच होना चाहिए. सो सी नंबर वन, इट इज वेरी इजी क्योंकि स्टैंडिंग लाइन हम सीख चुके हैं, तो नंबर वन सीखना हमारे लिए बहुत इजी है. तो बच्चों आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. बाय.